नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का चैप्टर है 10% का हक। एक बहुत अमीर आदमी ने रोड के किनारे एक भिखारी से पूछा, तुम भीख क्यों मांग रहे हो जबकि तुम तंदुरुस्त हो? भिखारी ने जवाब दिया, मेरे पास महीनों से कोई काम नहीं है, अगर आप मुझे कोई नौकरी दे दो तो मैं अभी से भीख मांगना छोड़ दूं। अमीर मुस्कराया और कहा, मैं तुम्हें कोई नौकरी तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास इससे भी अच्छा कुछ है, क्यों नहीं तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ? भिखारी को उसके कहे पर यकीन नहीं हुआ। ये आप क्या कर रहे हो, क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ, मेरे पास एक चावल का प्लांट है, तुम चावल बाजार में सप्लाई करो और जो भी मुनाफा होगा उसे हम महीने के अंत में आपस में बांट लेंगे। भिखारी के आंख में खुशी का आंसू निकल पड़े। आप मेरे लिए जन्नत के फरिश्ते बनकर आए हैं, मैं किस कदर आपका शुक्रिया अदा करूं? फिर अचानक वो चुप हुआ और कहा, हम मुनाफे को कैसे बांटेंगे? क्या मैं 20% और आप 40% लेंगे, या मैं 10% और आप 90% लेंगे? जो भी हो, मैं तैयार हूँ और बहुत खुश हूँ। अमीर आदमी ने बड़े प्यार से उससे सर पर हाथ रखा, मुझे मुनाफे का केवल 10% चाहिए, बाकी 90% तुम्हारा, ताकि तुम तरक्की कर सको। भिखारी अपने घुटने के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अगले दिन से भिखारी ने काम शुरू कर दिया। उम्दा चावल और बाजार से सस्ते और दिन रात की मेहनत से बहुत जल्द ही उसकी बिक्री काफ़ी बढ़ गई। रोज व रोज तरक्की होने लगी और फिर वो दिन भी आया जब मुनाफा बांटना था, और वो 10% भी अब उससे बहुत ज़्यादा लग रहा था। उस भिखारी ने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक एक शैतानी ख्याल उसके दिमाग में आया, दिन रात मेहनत मैंने की है और उस अमीर आदमी ने कोई भी काम नहीं किया सिवाय मुझे अवसर देने की, मैं उससे 10% क्यों दूँ? वो उसका हकदार बिल्कुल भी नहीं है। और फिर वो अमीर आदमी अपने नियत समय पर मुनाफे में अपना हिस्सा 10% वसूलने आया और भिखारी ने जवाब दिया, अभी कुछ हिस्सा बाकी है, मुझे यहाँ नुकसान हुआ है, लोगों से कर्ज की अदायगी बाकी है। ऐसे शक्ले बनाकर उसे अमीर आदमी को हिस्सा देने को टालने लगा। अमीर आदमी ने कहा कि मुझे पता है तुम्हें कितना मुनाफा हुआ है, फिर क्यों तुम मेरा हिस्सा देने से टाल रहे हो? उसे भिखारी ने तुरंत जवाब दिया, तुम इस मुनाफे के हकदार नहीं हो, क्यों? सारी मेहनत मैंने की है। आप सोचिए, अगर हो अमीर हम होते और भिखारी से ऐसा जवाब सुनते तो हम क्या करते? ठीक इसी तरह भगवान ने हमें जिंदगी दी, हाथ पैर आँख कान दिमाग दिया, समझ बूझ दी, बोलने का जुबान दी, जबाती हमें याद रखना चाहिए कि दिन में 24 घंटों में 10% भगवान का हक है। हमें इस राजी खुशी भगवान के नाम सिमरन में अदा करना चाहिए। अपने इनकम से 10% निकाल कर
अच्छे कामों में लगाना चाहिए और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें जिंदगी दी, सुख दी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।